तो आज की इस हमारी ट्रेनिंग में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। जी हाँ, टेक्स्ट फॉर्मूला कि आप डेटा क्लियरेंसिंग टेक्स्ट पे किस तरीके से इसका वर्क करोगे। लॉजिकल फॉर्मूले के बाद हमारा टेक्स्ट फॉर्मूले की कैटेगरी आती है, जिसमें हम आपको टेक्स्ट पे होने वाले ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं। तो चलिए, इस क्लासेस में हम आपके साथ यही डिस्कस करते हैं सौरभ जी। तो सबसे पहले हम बात करते जी हैं टेक्स्ट फॉर्मूले में। सबसे पहला फॉर्मूला है वो बेटेक्स का फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला की टेक्स्ट कैटेगरी में आप जाते हो तो आपके पास बेटेक्स फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, ओके तो यहां पे बात आती है कि जो बैटेक्स का फॉर्मूला है वो इंडिया में यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ये करता है कि कन्वर्ट द नंबर टू टेक्स्ट, वो भी आपका बैक फॉर्मेट में। बाथ लैंग्वेज जो होता है, बाथ लैंग्वेज मतलब कि थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट कर। इसलिए मैंने आपको बोला कि इंडिया में इसका यूज नहीं। सिंबल जो दिखाई दे रहे हैं सर, ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज में होता है? हाँ, सिंबल नहीं है, लैंग्वेज एक चीज का। नंबर को कन्वर्ट किया है इसने इस लैंग्वेज में। हाँ, तो अगर इसको गूगल पे जाओगे ना, गूगल पे आप इसको डालते हो तो वहां पे आपको दिखेगा, ये कन्वर्ट करोगे, लैंग्वेज कन्वर्ट करोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि ये एक तरह का थाई लैंग्वेज। ठीक है, तो इंडिया में इसका यूज है, लेकिन आपको मैं इसलिए बता दिया ताकि अगर इन फ्यूचर में कभी किसी ने आपसे पूछ दिया तो आप उसका जवाब रेडी रखेंगे, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, और नेक्स्ट आता है कि किसी भी एक करेक्टर को एक्सेल एक कोड से जानता है, जिसको हम स्काई वैल्यू कहते हैं। तो हर लेटर का एक अपना कोड होता है, उस कोड से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि ए को 65 माना गया, ठीक है, और वापस हम इसको कैर फॉर्मूला लगाएंगे तो वापस एक करेक्टर दिखा देगा। तो कोड फॉर्मूला से किसी भी पर्टिकुलर नंबर का कोड पता किया जा सकता है, एंड कैर फॉर्मूला से किसी पर्टिकुलर नंबर का एक करेक्टर पता किया जा सकता है। ठीक है, नंबर हाँ, कैसे जैसे कि आप, वो इसका यूज मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ा देर में, भूल जाइए। उससे पहले हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखते हैं सुजीत, और हमने काफी स्पेस दे दिया बीच में, या भी हमने सुजीत लिखा एक लास्ट में, एक फालतू का स्पेस दे दिया, मतलब कि अनवांटेड स्पेस अगर आप देते हो तो अनवांटेड स्पेस जो हम देते हैं, उस अनवांटेड स्पेस में रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला ट्रिम का।
स्ट्रीम फॉर्मूला क्या करता है, अनवांटेड स्टेज को रिमूव कर देता है। कोई भी अनवांटेड स्टेज जो होता है उस अनवांटेड स्टेज को वो रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इसको आप लेन से देखिएगा तो रिमूव हो गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम यहां मान ले लिखते हैं सुजीत और हम ऑल्ट एंटर करते हैं, ऑल्ट एंटर एंड कुमार लिख देते हैं नीचे। ऑल्ट एंटर क्या होता है, रैप होता है। रैप मैंने आपको याद होगा मैंने इसमें बताया था कि रैप से क्या करते हैं, हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रैप जो होता है, रैप क्या करता है, रैप से रैप टेक्स्ट कर देते हैं। लेकिन जब इसको हम ट्रिम करते हैं तो ट्रिम करते समय प्रॉब्लम क्या आती है, एक मिनट थोड़ा थोड़ा, कि आपको ये दिख तो रहा है सुजीत कुमार, लेकिन अगर मैं इसके लेंथ को काउंट करूं, मतलब इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करूं, तो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत यहां पे ये होगा कि यहां पे दिख तो रहा है आपको 11, 12 दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में करेक्टर आपका 11 है। ठीक है, जी स्पेस को काउंट किया जाए उसमें। हाँ, स्पेस नहीं, ये जो एक जो करेक्टर है ना टी और के बीच में, उसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर। मतलब कि वो करेक्टर है तो, लेकिन एक्चुअल में वो करेक्टर आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, वो एक्चुअल में विजिबल नहीं होगा। और देखिए, बोलो ना, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे तो ये जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर आप देख रहे हैं, एक करेक्टर जो बाहर दिख रहा है, इसको हम नॉन प्रिंटेबल करेक्टर कहते हैं। मतलब जो करेक्टर दिख तो रहा है लेकिन उसका वजूद नहीं होता है, समझे? एक्चुअली रहता तो है लेकिन उसका वजूद नहीं होता है, तो उसको हम नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम आता है कि ऐसे कैरेक्टर को रिमूव कैसे किया जाए, ऐसे कैरेक्टर को रिमूव कैसे किया जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लीन फार्मूला। क्लीन फार्मूला क्या करता है, ऐसे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता है। तो सर, लेकिन एक चीज है, इसमें हमारे पास कोई लंबा टेक्स्ट है तो उसमें तो हमें काउंट करके ही पता चलेगा ये एक्स्ट्रा दिखा रहा है। हमें कोई टेक्स्ट के अंदर से कुछ हमें निकालना है, कोई मोबाइल नंबर ही निकालना है और उसके अंदर ये करेक्टर है, तो उसमें तो हमें काउंट करके ही पता चलेगा इसमें ये
नहीं आप क्लीन कर दो ना, जब भी आप क्रीम लगाओ तो क्लीन कर दो। तो क्लीन जब उसको करोगे ना आप, तो खुद ब खुद वो हट जाएगा। तो होता है क्या कि जब डेटा हम कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं ना सर, कहीं से डेटा को हमने कॉपी पेस्ट किया, तो वहां पे इस तरह की चीजें आती है सर। तो जब आपको इस तरह की चीजें मिले तो आप क्लीन कर दीजिए। ऐसे भी जब भी हम डेटा को ये करते हैं, लेते हैं, तो हम डेटा को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमने क्लीन कर दिया, तो सुजीत और कुमार के बीच में एक स्पेस आ गया, आ गया, सॉरी सुजीत और कुमार का जो स्पेस था वो स्पेस आपका हट गया। मैं चाहता हूं कि स्पेस नहीं हटना चाहिए, जो स्पेस है स्पेस नहीं हटना चाहिए। ठीक है, स्पेस हमारा नहीं हटना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि एक सेपरेटर लग जाए, सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस लग जाए। मैं बात कर रहा हूं एक रिप्लेस करना का, जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है उसको हम स्पेस से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें रिप्लेस के बारे में देखना होगा। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे हमने कुछ नंबर्स लिखता हूं। मुझे इन जो नंबर्स है इसमें जितने भी डॉट्स है उस डॉट को हमें रिप्लेस करना है डैश से। तो हमें डॉट को डैश से रिप्लेस करना। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट को लीजिए, उसमें बताइए कौन सा टेक्स्ट, हमें बोला डॉट, और किससे करना है तो स्पेस से करना है या डैश से करना है। तो हमने बोला कि F1 में डॉट को डैश से रिप्लेस कर दो। ठीक है, स्पेस को डॉट से डैश को रिप्लेस करो। तो जितने भी नंबर जिस डैश है, जितने भी डैश इसमें होगा ना सर, वो डॉट बन जाएगा। ठीक है, समझ आया फॉर्मूला आपको? ये फॉर्मूला समझ आया या नहीं आया? डॉट तो रिप्लेस हो गया, लेकिन अगर डॉट वहां पे लग गया, लेकिन उसके लिए तो फिर हम दूसरा तरीका आजमाएंगे ना। अभी तो सिंपल मैं बता रहा हूं कि रिप्लेस करने का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसको डायनेमिक करेंगे ना आगे चलते। एक और फॉर्मूला होता है रिप्लेस का, एक और फॉर्मूला होता है रिप्लेस का। रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि वो भी रिप्लेस ही करता है। ठीक है, वो फॉर्मूला भी हमारा रिप्लेस ही करता है। लेकिन उसमें हमें बताना पड़ता है कि पोजीशन, कि किस पोजीशंस में आप रिप्लेस करना चाहते।
समझे। तो जैसे कि हमने यहां पर रिप्लेस का फॉर्मूला लगाया और रिप्लेस फॉर्मूले में मैंने बोला कि इसमें जाओ और चौथे करेक्टर से एक करेक्टर को डॉट में रिप्लेस कर। तो हमने फॉर्मूला लगाया कि F2 के अंदर जाओ, चौथे करेक्टर से एक करेक्टर को रिप्लेस कर। रिप्लेस के बाद जो फोर्थ करेक्टर आएगा उसे वहीं से वन लगा लेगा। रिप्लेस के बाद जो वो काउंट करेगा यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा नंबर करेक्टर ये हुआ। ये नंबर ऑफ करेक्टर से मतलब नहीं है, ये बता रहा हूँ आपको कि ए कर रहा है ना कि कौन सा चौथा नंबर करेक्टर। चौथा नंबर करेक्टर से एक करेक्टर मतलब सिर्फ डॉट को लिया, एक की जगह मैं दो कर दूंगा तो डैश और थ्री दोनों को रिप्लेस करेगा। तो सिर्फ डैश को रिप्लेस किया डॉट से। तो एक पोजीशन के हिसाब से होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके कुछ आईडी लिखा हुआ है, आप बोलते हैं कि फर्स्ट चार डिजिट हमारा एम्प्लॉय आईडी होता है, तो आपको फर्स्ट चार डिजिट को रिप्लेस करना है, तो उस जैसी चीजों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पोजीशन देनी पड़ेगी जो रिप्लेस करना। हाँ, तो पोजीशंस आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे मतलब अब ये हमने रिप्लेस का जो चीज जान जी, अब बात आती है कि इसको कैसे करें, जो आपके सामने आप दिखा है सुजीत और कुमार में स्पेस कैसे लगाएं। तो प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला इस्तेमाल करूँ इसमें और इसको सिलेक्ट करूँ, तो जो ऑल्ट एंटर है उसको तो हम डालेंगे तो कर्सर नीचे आ जाएगा, क्योंकि तो गलत हो जाएगी। तो मुझे ऑल्ट एंटर नहीं रखना है, ठीक है, ऑल्ट एंटर हमें नहीं रखना है। तो कैसे करें ऑल्ट एंटर को, तो जैसे कि मैंने बताया था ऊपर कैरेक्टर कोड कि हर करेक्टर का एक कोड होता है और फिर कैर फॉर्मूला से वापस उस करेक्टर लाया जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या, अगर हम मान लीजिए कि किसी एक सेल पे ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, तो इसको अगर हम कोड फॉर्मूले से देखते हैं इसका कोड क्या है, तो पता चला इसका कोड 10 है। मतलब कि अगर मैं कैर फॉर्मूले के अंदर में 10 लिखूं तो यहां पे इसका करेक्टर आ जाएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में इसको सिलेक्ट किया और ओल्ड टेक्स्ट मतलब कि किसको आपको करना है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें यहां पे कैर 10 हम ले लेंगे एंड कॉमा हम रिप्लेस स्पेस से कर रहे हैं। तो कैर 10 क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है,
क्लियर गुड आउट इसमें ऐसा ठीक है तो ये हो जाएगा। अब चलिए कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि हमारे पास अपर मतलब केस चेंज करने का फॉर्मूला होता है अपर का। अपर क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है एंड लोअर क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट करता है एंड प्रोपर क्या करता है, इसको प्रोपर केस में कन्वर्ट करता है। तो मेरे पास तीन फॉर्मूला है अपर लोअर एंड प्रोपर जो कि केस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है ओके उसके बाद सेपरेशन की बात करें, जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इसको आपस में हमें सेपरेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। हमारे पास लेफ्ट का फॉर्मूला होता है जो लेफ्ट से जितना नंबर डिजिट बोलोगे उतना नंबर डिजिट अलग कर देता है। राइट का फॉर्मूला है जो राइट से जितना डिजिट बोलोगे उतना डिजिट अलग कर देगा एंड बीच के लिए हमारे पास मिड का फॉर्मूला है, जितना डिजिट आप मिड से बोलोगे उतना डिजिट कर देगा। तो इसमें बताना पड़ेगा आपको कि मिड स्टार्ट कहां से हो रहा है, क्योंकि कैसे पता चलेगा बीच कौन सा है, ये आपको बीच जो है आपको बताना पड़ेगा कि बीच कौन सा है। ठीक है ओके तो यहां पे मैं कॉमा हमने बोला कि चौथा नंबर नहीं पांचवें नंबर से मिड है और पांचवें से तीन करेक्टर को लेना है तो इसने अलग कर दिया। तो सेपरेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं, लेफ्ट राइट एंड मिड। ठीक है इसमें हमने जो हमने मिड किया है हाँ और ये लेफ्ट राइट किया है इसमें हमने काउंट दिया है, अगर काउंट ना बताओ तो। हाँ तो उसके लिए हम आपको बताते हैं उसके लिए क्या करेंगे। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है फाइंड का, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ लिख दिया कुमार @iptindia.com। इसमें से मैं आईडी को अलग करना चाहता हूं एंड साइट को अलग करना चाहता हूं, साइट और आईडी दोनों को अलग अलग लिखना चाहता हूं। ठीक है तो साइड और आईडी आईडी को अलग अलग लिखना चाहता हूं तो पता चलेगा कि हम कैसे अलग करेंगे, ये तो हमें आइडिया ही नहीं है। तो उसके लिए जो है हम एक फॉर्मूला होता है फाइंड, मतलब कि हमें अलग करना है इसके हिसाब से क्या बोलते हैं एट द रेट के हिसाब से। तो हम फाइंड का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, फाइंड के फॉर्मूले में बोलेंगे कि एट द रेट को फाइंड करो इस सेल के अंदर एंड शुरुआत से करो तो आपके पास आता है सिक्स। सिक्स आया मतलब कि एट द रेट का जो पोजीशन है वो छठे नंबर पे है। अब यहां पे हम फाइंड का फॉर्मूला सॉरी इसका लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और लेफ्ट के फॉर्मूले में मुझे क्या करना है एट द रेट से पहले की जो पोजीशन है वो लेना है। क्या तो मैं यहां कर दूंगा फाइंड का रिजल्ट माइनस वन आ गया और उसके बाद लेना है तो हम राइट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे
कि लेन, इसकी जो कंप्लीट लेन है, लेन माइनस हम कर देते हैं 6। आ गया हमको? क्लियर सर? जी सर। तो इस तरह से इसका हम यूज करेंगे। इसका एक सिंगल फॉर्मूला नहीं बना सकते? सिंगल तो बना सकते हैं, फाइंड यूजेसी के अंदर करके। नहीं हाँ, इसको इसको फाइंड को इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए ना, सिंगल हो जाएगा। फाइंड को उसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, सिंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने C24 यूज किया है, वहाँ पे ये फाइंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ ठीक है, तो आप इस पे आ गए और प्रैक्टिस कीजिए।